दोस्तों, दो प्लैनेट की युति मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाली है, उसी पे वीडियोस बन रहे हैं। आज इसी क्रम में सन और जुपिटर की युति का कंजंक्शन का ये मेरा वीडियो है। ये मानव जीवन को कहाँ लेके जाने वाले, जिस भी व्यक्ति के चार्ट में सन और जुपिटर एक साथ होती हैं, वो आपको किस तरफ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। ये देखो, ये युति तो मैं बात करूं जुपिटर सैटर्न राजयोग, जुपिटर वीनस बहुत बड़ा मैं मानता हूं, इसी क्रम की तीसरी सबसे बड़ी युति जुपिटर सन की है। भाव विशेष में ये युति आपको जुपिटर सैटर्न से भी बड़ा राजयोग दे सकती है। जैसे 10th हाउस में ये युति बन रही हो, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। सूर्य आपका राजा है, दशम घर राज्य का है, जुपिटर एक बहुत ऊपर की पोस्ट है और 10th हाउस राज्य का, तो आपको राज्य में बहुत ऊंची कुछ भी बन सकते हो। कुछ भी मतलब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। स्पष्ट शब्दों में बोलो तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी ऐसा व्यक्ति हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सूर्य क्या है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये युति को मैंने कई जगह मैंने बोला है ना, कई भाव में ये युति आपको जुपिटर सैटर्न जैसे फल देने वाली है या उससे भी ऊपर ले जा सकती है। बहुत अच्छी युतियों में से एक ये युति है। एक तो व्यक्ति का जो मानसिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा जाता है ऐसे व्यक्ति का, जिसके भी चार्ट में सन जुपिटर एक साथ होती है। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और जुपिटर जैसा प्लैनेट उससे जुड़ गया, जो ठहराव देता है, थोड़ा बहुत कई बार अभिमान देता है लेकिन धर्म से जोड़ के रखता है, अच्छे मैनर्स देता है, आपको डेली इनकम देगा, मतलब कहीं ना कहीं एक विशेष राजयोग अपने आप में ही बना देता है। देखो, सूर्य हमारी आत्मा है तो जुपिटर जीव कारक है। देखने में वो काफी सिमिलर सी लगती है कहानी, थोड़ी सी डिफरेंट है। सूर्य फादर भी है, सूर्य हमारा सन भी है, सूर्य हमारी सक्सेस भी है। जिस भाव में होगा उसी भाव से जुड़ी सक्सेस देगा हमको। सूर्य राजा प्लेनेट है, किंग है, नेम फेम देता है सूर्य। सूर्य एक प्लानर है और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करने वाला प्लेनेट है। सूर्य ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। जहां सूर्य एक तरफ इस सब गुणों से हमारे भरा हुआ है, वहीं जुपिटर हमारी जीवन का जीव कारक है। जुपिटर ट्रुथ को पसंद करने वाला प्लैनेट है, सच्चाई के साथ खड़े होने वाला प्लैनेट है। जुपिटर हमारी समझदारी विजडम है। जुपिटर टीचिंग लाइन भी है, एक अच्छा टीचर बनाता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से आपको जोड़ने वाले मरकरी और जुपिटर दोनों प्लैनेट है। बड़ा सोशल सर्कल देता है। जहां सूर्य में लीडरशिप की भावना है, वहीं यह बड़ा सोशल सर्कल है। जुपिटर सूर्य कौन सा कम है, सूर्य मासिस को, मासिस में सूर्य का करिश्मा चलता है। बहुत बड़ी गैदरिंग में व्यक्ति ऐसा प्रभाव डाल के जाता है अपने भाषण से, व्यक्ति की वो लोगों की निगाह से हट ही नहीं पाता। चाहे उसकी भाषण खत्म हो जाए लेकिन वो चर्चा का विषय सदैव रहता है। तो सूर्य में जो करिश्मा, उस करिश्मे को थोड़ा ये अपने सोशल सर्कल, बिग सोशल सर्कल से बढ़ाने वाला ही है। योग धर्म से जुड़ा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर आपका डेली इनकम भी देता है, मैं तो बोला हूँ जुपिटर जैसा प्लेनेट और टॉप पोस्ट पे लेके जाता है। अध्ययन में बहुत जबरदस्त प्लेनेट है ये। 9th हाउस हो, अच्छा गुरु आपको जरूर मिलता है। अब ये जब दोनों की प्लेनेट की युति हो जाती है, तो सूर्य फादर है तो फादर आपके जुपिटर से जोड़े अगर फादर को, एक बड़ा सोशल सर्कल फादर का होगा। धार्मिक होंगे आप फादर, आपके अच्छे पैसे वाले घर से आपका कुनबा होगा। पर्टिकुलरली सन जुपिटर अगर सेकंड भाव में है तो आप चेक कर लेना मेरी वर्डिक्ट को, व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे घराने में होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा वाणी कुटुंब कुटुंब का हाउस है, धन का भी घर है। अच्छा धनवान होगा व्यक्ति, क्योंकि धन का कारक है। मैं मानता हूँ तो कुछ कमियां जरूर लेता है, कारको भावनाशा एक सिद्धांत है, पर ये युति सेकंड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एक बहुत ऊंची पोस्ट मिलती है जिससे व्यक्ति बड़ी सरलता से अपनी वाणी के प्रभाव से पैसा कमाने में सक्सेसफुल हो जाता है। सूर्य और जुपिटर
दोनों गवर्नमेंट की बहुत ऊंची पोस्ट देते हैं। अगर ये फर्स्ट हाउस, सिक्स हाउस और टेंथ हाउस में ये युति बनी हुई है, इवन मैं 11वें घर में भी बोलूंगा, तो व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, सीओ, आरबीआई का गवर्नर कुछ भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत ऊंची पोस्ट जो आप कल्पना कर नहीं सकते। छठा घर देखो सर्विस का है, सर्विस में आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, या आईएएस आईपीएस को योग है। 1/6 10th हाउस में या आईएएस आईपीएस कम से कम बनाने में सक्षम है, उससे ऊपर भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। 9th हाउस में आपको पढ़ाई में, 9th हाउस में भी ये बहुत गजब की होती है। 9th हाउस मूल त्रिकोण हाउस है, मूल त्रिकोण कह रहा हूँ, त्रिकोण का सबसे बेस्ट भाव है। वहाँ सूर्य और जुपिटर, सूर्य वहाँ का कारक भी है क्योंकि पिता का कारक है, वहाँ साथ में जुपिटर जुड़ गया, अच्छा पिता मिलने वाला है, अच्छे आचरण वाला, और अच्छे आचरण के पिता के साथ साथ वहां पर ये आपको अच्छी शिक्षा भी देगा क्योंकि शिक्षा का भाव है वो, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पंचम भाव भी शिक्षा का है, आप टीचिंग से भी जुड़ सकते हैं, 9th हाउस में एक बहुत अच्छी टीचिंग की पोस्ट दे सकता है आपको। पंचम भाव में सन जुपिटर का योग, आपको यहाँ पर भी पढ़ाई से कनेक्टेड भाव है। पंचम भाव वहां पिता का था, ये संतान का भाव है, संतान के लिए बड़े गजब के रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छे। तो 7वें घर में ये सन जुपिटर आपको एक योग्य पार्टनर, एक योग्य आपकी लाइफ पार्टनर भी दे सकता है। देखो पार्टनरशिप अलग है, लाइफ पार्टनर अलग है, यानी स्पाउस एक अच्छे घर से मिलने वाला है। इवन ये योग को मैं 8वें घर में भी बुरा नहीं मानता, पंडित कृष्णमूर्ति जी का जुपिटर 8th हाउस में था, तो वहां आपको रिसर्च एबिलिटी देगा, वहां आपके व्यक्तित्व को बहुत बड़े राजघरानों से जोड़ता है। पंडित कृष्णमूर्ति जी के बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स थे, बहुत उच्च घराने के, तो एक उच्च आपके रिलेशनशिप को भी देता है। सेकंड हाउस में पहले ही बता चुका हूँ, 4th घर में अगर ये युति हो रही है तो आपको माँ बड़ी मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाली मिलने वाली है, सोशल सर्कल मदर का बहुत बड़ा होगा और माँ एकदम राजा समान व्यवहार करने वाली। आपके घर में 4th घर में अगर ये योग बनी है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी इस जीवन में नहीं आ सकती, ऐसे व्यक्ति का घर बिल्कुल सील बंद सुरक्षित है, उसके घर पे कोई बुरी नजर नहीं लग सकती। तो युति मैं छोटी शॉर्ट में बोलूं, ये युति बहुत ही गजब की युति है, जुपिटर सैटर्न जुपिटर वीनस जैसा राजयोग देने वाली युति है। जिस भी बच्चे के हॉरोस्कोप में ये युति देखें तो समझ ले कहीं ना कहीं भगवान की वो ब्लेसिंग लेके आपके घर पे जन्म लिया उस बच्चे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।